Students, this is Chaudhry, your तो आज मैं आप एक बहुत आपको, तो आपको फटाफट इसके बारे में बता देती देखो, बहुत सारे जो होते है ना तो वो डमी एडमिशन लेते हैं ठीक है वो एस्पर के बीच में बहुत कॉमन होता है Now, first,

acceptable cbse के एक सेट रूल्स हैं कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस है ओनली देन आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते है. अब बहुत सारे स्कूल्स में ना इस चीज को आ, मतलब आ, तरह, बोल दिया जाता है कि आप एडमिशन ले लीजिए कोई बात नहीं हम आपकी 75% अटेंडेंस जो है वो अपने आप कंप्लीट कर देंगे राइट यस अब बेटा आपको जब अपना स्कूल सिलेक्ट करना है जैसे कि मे भी आप डमी एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो या मे भी आपने ले रखा हो तो बेटा आपको ना कुछ चीजों को बिल्कुल शोर्ट शौर शॉर्ट कर देना है ठीक है यस yes, मैम आप ये सब क्यों बोल रहे हो और ऑफ सडन क्यों क्योंकि बेटा अभी अभी सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज किया है और ये प्रेस रिलीज मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एस्पिरेंट ठीक है तो मैं पहले आपको ये पूरा प्रेस रिलीज पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा प्रेस रिलीज में डायरेक्टली साफ साफ लिखा हुआ है

आपके वहां पे इंस्पेक्शन हुआ है और और बेटा कुछ स्कूल्स दिल्ली में भी थे इनफैक्ट एक ही दिन में एक ही टाइम सब जगह पे इंस्पेक्शन हुआ ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पे फैल ना जाए कि यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है एट द सेम टाइम हर जगह पे इंस्पेक्शन हुआ द इंस्पेक्शंस वर एम्ड एट इंश्योरिंग दैट द स्कूल्स एफिलिएटेड विद द बोर्ड आर आर स्ट्रिक्ट लॉसोर्थ बाय द सीबीएससी फोर्स एड इंस्पेक्शन वर क्लेम्ब आउट बाय ट्वेंटी सेवन टीम्स सत्ताइस टीम्स ने ये जो इंस्पेक्शन था वो किया था इच कॉम्प्रो कंप्राइजिंग ऑफ अ सीबीएससी ऑफिसर एंड अ प्रिंसिपल फ्रॉम सीबीएससी अफिलिएटेड स्कूल ठीक है द इंस्पेक्शन वर मेटिकुलसली प्लैंड एंड एग्जीक्यूटेड इन सिंक्रोनाइज मैनर मतलब कि एक सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज मैनर में था ताकि न्यूज यहां से वहां ना फैले सेम टाइम पे हर जगह पे इंस्पेक्शन हुआ टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल द सिलेक्टेड स्कूल्स विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ठीक है This approach was adopted to maintain the element of surprise, thereby ensuring that the information gathered about the operations and compliances of the school is accurate and reflective of their everyday functioning. CBS is dedicated to maintaining high standards in education and expects all the affiliated <games> two, uh, schools to adhere strictly to its guidelines. ठीक है तो बेटा इसके थ्रू मैं आपको बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक अपने एडमिशन के लिए स्कूल कंसिडर करें मे बी आपको इनिशियली स्कूल बोल दे कि वी विल हैंडल एवरी थिंग बट बेटा अगर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं तो वो रूल्स हैं आप उनको बिल्कुल भी नली नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप इस तरह से एडमिशन लेते हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी दैट यू शुड अटलीस्ट टू टू थ्री डेज एक वीक के अंदर आपको स्कूल अटेंड करना चाहिए इनफैक्ट ये वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब आप ज्यादा लोगों से मिलते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं आपका कॉन्फिडेंस आपको आता है इनफैक्ट आप ज्यादा यू नो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं ठीक है बेटा सो दैट इज वाई आई वुड रिकमेंड कि यस yes, आप एडमिशन लीजिए ये बिल्कुल सही है कि आपको अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है टाइम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बट एट द सेम टाइम प्लीज इंश्योर कि जो आप स्कूल uh, मतलब अपने एडमिशन के लिए ले रहे हैं दैट इज परफेक्टली फाइन स्कूल ठीक है वहां पर कोई भी फर्दर प्रॉब्लम नहीं आएगा ये सारी चीजें आप डेफिनेटली इंश्योर कर ले आई रियली थॉट दैट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए और हम जनरली इस पर्टिकुलर पॉइंट को ना इग्नोर कर देते हैं सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस राइट यस ऑल्सो मेरे बच्चे अब अगर आप अपने स्कूल के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हमारी जो क्लासेस होती हैं वो अलग अलग टाइम होती हैं तो हम कैसे पढ़ें तो बेटा आपके लिए ही है ऑनलाइन कोर्सेज आप डेफिनेटली ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इनफैक्ट आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अन का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा आपको जो प्राइस है वो सिर्फ फोर ट्रिपल नाइन में पूरे के पूरे साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा नीचे लिंक दिया हुआ है आप उससे डायरेक्टली जा सकते हैं ठीक है ए सी फाइव कोड यूज़ करेंगे आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे राइट यस आई विल बी मेंटरिंग यू थ्रू जो जूम कॉल सेशंस होंगे जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करने वाली हूँ इसके अलावा मेरे बच्चे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो आइकॉनिक की मेगा सेल जो है वो चल रही है सो so डेफिनेटली आप आइकॉनिक बैच भी ले सकते हैं जिसके अंदर जो आपके नोट्स होते हैं ना वो आपको घर पर डिलीवर होते हैं तो आप फिजिकली नोट्स पढ़ते हैं जैसे बुक्स हम पढ़ते हैं और उससे प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा बेटर होती है तो डेफिनेटली आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं और इस टाइम पे पे वो ऑफ मिल रहा है नीचे लिंक है आप उससे डायरेक्टली ले सकते हैं इसके अलावा मेरे बच्चे अगर आपको लगता है कि मैम मुझे आप ही से पढ़ना है आपका कौन सा बैच आ रहा है तो बेटा मेरा फिनिक्स मास्टर बैच आ रहा है ठीक है आप मुझसे पढ़ सकते हैं आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं फिजिक्स पढ़ सकते हैं बायो पढ़ सकते हैं एंड एवरी थिंग विल बी कम्प्लीटली प्लैंड हम इनफैक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कम देर और अगर आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आते हैं ए सी फाइव कोड यूज करते हैं तो आई विल बी शेयरिंग माई स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स राइट येस तो वो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकता है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं एंड ऑल्सो मेरे बच्चे अगर आपको ऐसा लगता है दैट uh, मैम मेरे को यही नहीं पता कि फिनिक आइकॉनिक uh, क्या है प्लस क्या है प्रो क्या है तो बेटा ये सारे फीचर्स हैं जो आपको प्लस के आइकॉनिक के और प्रो के मिल जाएंगे ठीक है यस तो आप इनको गोथ्रू करो एंड यू थिंक कि आपको कौन सा बैच लेना है नीचे लिंक है आप उसके थ्रू जा सकते हैं इसके अलावा मेरे बच्चे अगर आपको लगता है कि आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए अपनी रिविजन के लिए तो आप डेफिनेटली फ्लैश कार्ड अकेले भी बाय कर सकते हैं जो आपको सिर्फ टू टू नाइन नाइन के अंदर मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा मेरे बच्चे अगर आपको अनसैट अनसैट एक ना स्कॉलरशिप एग्जाम है आप ये बिल्कुल फ्रीली आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं और अगर आप ये स्कॉलरशिप आपको ये मिलती है ना मेरे बच्चे तो आपको मौका मिलेगा स्विट्जरलैंड जाने का ठीक है यस ये दो राउंड्स के अंदर होगा फर्स्ट राउंड का जो टेस्ट है वो आप सितंबर 22 से अक्टूबर 20 तक दे सकते हैं और जो सेकंड राउंड होगा वो बेटा आप नवंबर 10 को उसका एग्जाम होगा जो फर्स्ट राउंड से क्वालिफाई करेंगे वो सेकेंड राउंड में जाएंगे ये बेटा इन सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है तो आप ये सभी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हैं ठीक है इसका सिलेबस एंड ऑल सब कुछ आपको मिल जाएगा नीचे लिंक है इसका भी ठीक है और इसके लिए एकदम फ्री आप एनरोल कर सकते हैं ठीक है यस ऑल्सो मेरे बच्चे यहाँ पर आपके सामने है स्कॉलरशिप एग्जाम दिया गया है प्रथम कुमार ने दिया था सो यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल ठीक है यस सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड प्लीज डू बी केयरफुल जब आप अपने uh, करियर के बारे में सोच रहे होते हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको अपना स्कूल भी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना होता है बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए कुछ भी और चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई ब्रिंग द सोल्यूशन टू यू ऑल द वेरी बेस्ट कीप स्टार्टिंग